मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग निकालो आप, और ड्राइंग में पेज नंबर 10 और 11 पर हम आज फिल करेंगे। ओके, जल्दी से निकालो अपनी ड्राइंग की बुक। 10, जिस पर क्या बना हुआ है? डॉग। तो आज हम डॉग को फिल करेंगे। डॉग में हमें कौन कौन से कलर चाहिए? ऑरेंज और रेड कलर, सिर्फ ये 2 कलर चाहिए। तो जल्दी से आप निकालो। फिर चलो हम कलर करना स्टार्ट करते हैं। करती हूँ, आप मुझे देख के जाइए। ये जो फुल बॉडी है हम इसमें ऑरेंज कलर करेंगे, और जो इस डॉग की जो ये टंग बाहर आ रही है ना, इस पर हम रेड कलर फिल करेंगे। सबसे पहले हम रेड कलर फिल कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही है। ओके, अब रेड कलर हम इस तरह से कलर फिल करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कलर करने का, कलर फिल करने का तरीका। ओके, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से फिल करेंगे। तो ये वो रेड कलर का बस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ऑरेंज कलर फिल करेंगे। तो ऑरेंज कलर हमें इसकी फुल बॉडी में ऑरेंज कलर फिल करना है। तो जिस तरह मैं कर रही हूँ, अब आप भी मेरे साथ करिए। कहीं भी वाइट पेज नज़र नहीं आना चाहिए। ओके, तो अब आप करते जाइए और मुझे दिखाओ। फिर कलर कंप्लीट हो गया। अब हमारा ऑरेंज कलर कंप्लीट हो चुका है ना। अब इसी तरह से आपका भी कलर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? अब ये इसमें जो ब्लैक कलर है ना, इसकी आईब्रो में हम ब्लैक कलर फिल करेंगे। मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये जो इसकी आईब्रो है ना, हम इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे। तो आप इसमें ब्लैक कलर फिल करना, और इसकी आईज में भी ब्लैक कलर हमें फिल करना है। तो ये हो गया हमारे डॉग कंप्लीट, है ना? हो गया आपका कलर। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं, उस पर आपको कौन कौन से कलर फिल करने हैं। ये आपका पेज नंबर 11, जिस पे ये क्या बना हुआ है? थर्मस बना हुआ है ना? तो आपको ये पिक्चर कलर करनी है। और कौन कौन से कलर चाहिए आपको इसमें? आपने इसमें पर्पल चाहिए आपको। ये जो इधर है इसके कैप में फिल करेंगे। और ये रेड कलर आप देख सकते हो, ये कलर रेड हो रहा है ना, हम इसमें रेड कलर फिल करेंगे। और इसकी जो ये पकड़ने वाली बेल्ट होती है, हम इसमें पिंक कलर फिल करेंगे। और यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर हो रहा है, तो इसमें ग्रीन कलर चाहिए हमें। तो हमें कितने कलर चाहिए? और इसमें हमें येलो कलर भी चाहिए। क्या कौन सा कलर चाहिए हमें? येलो कलर, क्योंकि सर्कल में हो रहा है ना, हम इसमें येलो कलर फिल करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आप भी फिल करिए और मुझे दिखाइए। इन सभी में कलर करिए। ओके, हम एक एक करके सभी में कलर फिल करेंगे। उसके बाद इसको देखेंगे ये किस तरह से दिखेगी पिक्चर। ओके, तो देखिए मैंने इसमें ये कलर कर लिया। अब हम इसमें कलर फिल कर लेंगे। कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो ये कलर हो चुका है ना मेरा कंप्लीट। अब इसी तरह से हमें ये थोड़ा लाइट कलर है ना, इसलिए ये हमें नज़र नहीं आते हैं। वैसे ये कलर हो रहा है इसमें पर्पल कलर। अब हम इसमें रेड कलर करेंगे। ओके, तो अब आप भी करो। देखो मेरा कलर कहीं भी बाहर नहीं निकल रहा है ना, इसी तरह से आपका भी कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। और कलर जब हम फिल करते हैं ना, तो उसे इस तरह से फिल करते हैं कि हमारा बाहर ना निकले, और जो हम जिस पिक्चर में कलर कर रहे हैं वो पिक्चर हमारी एकदम डिफरेंट दिखे, अच्छी लगे दिखने में, है ना? क्योंकि मुझे कुछ बच्चे जो कलर करके भेजते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती उनकी ड्राइंग। पता नहीं किस तरह से कलर करते हैं जल्दी जल्दी में। देखिए मैंने क्या कहा था, आप लोग पहले किनारे किनारे में कलर कर दिया करो, उसके बाद अंदर की ओर कलर किया करो। ओके,